सो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इसी टाइप से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग वीडियो बनाना सिखाएंगे गाइज। ये वीडियो गाइज इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और आप भी कभी ना कभी इंस्टाग्राम पर देखे होंगे ये वीडियो। तो ऐसा ही एडिटिंग करना सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा गाइज हम आ चुके मोबाइल को होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइज आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करना है या क्रोम ब्राउजर को। ठीक है, तो हम गूगल ब्राउजर पे आए हैं और यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना होगा बिंग एआई क्रिकेट इमेज क्रिएटर। ठीक है, ये वाला सर्च कीजिएगा और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो होंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे गाइज बहुत सारा लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे तो आप कोई सा भी लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज bing.com पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इमेज क्रिएटर पे, और यहाँ पे गाइज कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, इस टाइप का इंटरफेस तभी खुलेगा जब आप हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं खुल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा और यहाँ पे गाइज आपको लिखने के लिए देगा ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहाँ पे वो चीज़ लिखना है जो हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा इसका, तो ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइज, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा और कुछ इस टाइप से गाइज यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे आकर के इस वाले जगह पे आकर के पेस्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे गाइज क्या करना होगा, यहाँ पे आप जिस भी खिलाड़ी का नंबर देना चाहते होंगे उसका आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। ठीक है, तो सिंपली हम अपना तरफ से ऐड किए हैं, तो गाइज आप अपना तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पे गाइज जर्सी का नेम आप चेंज कर सकते हो, यानी कि मेरा 18 नंबर है तो आप कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे गाइज अपना नाम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे गाइज मेरा नाम है तो मेरा नाम हटा करके गाइज आप अपना नाम ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपना नाम ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे गाइज आप कोई सा भी कंट्री से हो, जिस कंट्री से हो उस कंट्री से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे गाइज आपको कंट्री दिख रहा होगा, इंडियन दिख रहा है जैसा कि हमारा, तो यहाँ पे गाइज इंडियन को हटा करके आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं उस कंट्री को आपको यहाँ पे सिंपली कर देना होगा। एंड यहाँ पे गाइज यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिएट पे क्लिक कर देना होगा। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे गाइज थोड़ा देर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने तक आपको वेट करना होगा और डाटा कौन रखिएगा। ठीक है, तभी आपका ये काम करेगा। एंड यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद आपका ये यहाँ पे देख सकते हो गाइज फोटो हमारा बनकर रेडी हो चुका है, चार फोटो एक बार में आएगा गाइज, और इनमें से कोई पसंद नहीं आता है तो गाइज सिंपली आपको क्या करना होगा, फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज हम फिर से क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गाइज फिर से हमारे चार फोटो और बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये लिंक तभी आपको में काम करेगा जब आप इसमें लॉग इन कर लीजिएगा, यानी कि गाइज आपको पहले साइन इन कर लेना होगा ईमेल आईडी से। ठीक है, कोई अपना ईमेल आईडी बना लेना होगा, नया क्रिएट कर लेना होगा और यहाँ पे साइन इन हो जाना होगा, तभी ये लिंक काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज देख सकते हो गाइज फिर से हमारे यहाँ पे चार फोटो आ चुका है और यहाँ से गाइज कोई एक फोटो को हमें डाउनलोड करना होगा, तो सिंपली आपको कोई एक फोटो पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम इस वाले फोटो पे टाइप करते हैं और इस फोटो को हमें डाउनलोड करना होगा, तो नीचे में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे गाइज एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तुम्हारा फोटो बिल्कुल से यहाँ पर लोड हो जाएगा, यानी कि डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद गाइज यहाँ से अब हम इसे रील बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको बैक जाना होगा, बैक जाने के बाद गाइज यहाँ से आपको VN ऐप को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, VN ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली हमारा फोटो अभी तैयार हुआ है, रील नहीं बनाया, तो सिंपली आपको VN ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से गाइज फोटो वाला ऑप्शन पे जाकर के गाइज यहाँ से उस फोटो को ऐड करना होगा जो फोटो भी हमने डाउनलोड किया। ठीक है, जैसे हम फोटो को ऐड कर लेते हैं और इस फोटो में गाइज यहाँ पे हमारा रिसीव सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस फोटो का आप रिसीव बदलना चाहते होंगे तो सिंपली आपको ऊपर में एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओरिजिनल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे गाइज जिस रेशियो में आप कन्वर्ट करना चाहते होंगे, एडिट करना चाहते होंगे, उस रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज 1.1 रेशियो को हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम वाला, एंड यही हम रहने देंगे। ठीक है, एंड इतना करने के बाद गाइज इसका ड्यूरेशन हम 15 सेकंड के आसपास, अब जितना देर का वीडियो बनाना चाहते होंगे गाइज उतना देर आपको कुछ स्टेप से पकड़ के ड्रॉ कर देना होगा, तो हम 15 सेकंड के आसपास रखेंगे। एंड वीडियो के फर्स्ट लेयर में आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी कि थर्ड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से एक क्रिकेट वाला वीडियो ऐड कर लेना होगा। क्रिकेट का वीडियो आपको पास नहीं होगा तो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, और क्रिकेट का वीडियो कुछ स्टेप से आपको पकड़ना होगा और इस तरह से गाइज टीवी में आपको सेट करना होगा, यानी कि टीवी में आपको कुछ स्टेप से गाइज रोटेट करके आपको सेट करना होगा। ठीक है, सेट करने के बाद देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, इसको हम प्ले करते हैं और यहाँ पे गाइज देख सकते हो गाइज हमारा सेट हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से एडिटिंग करना होगा आपको भी, इसमें गाइज आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते समय गाना भी ऐड कर सकते हो, या आप ऑलरेडी गाना डाउनलोड करके रखे होंगे तो यहाँ पे गाइज म्यूजिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो इतना हम कंप्लीट कर दिए, हमारा एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए गाइज यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे गाइज यहाँ से आपको फुल कर देना होगा और इसको 30 के आसपास रखना होगा और इसको 25 के आसपास, एंड यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा गैलरी में आपका ये वीडियो। तो सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।